भय, भूख और घृणा के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं उनको किसी का भय नहीं होता। हम तो उसी के खिलाफ की राजनीति करते हैं। बस आप लोग चूंकि इतनी बंदिशों के बावजूद आप हमारी बात पहुंचाते हैं। 22 तारीख के बाद 10 दिन आप कुछ और करिएगा, लेकिन 22 तक आप इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। और मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अब्जी सिंह, आरजेडी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज से लेकर 22 जनवरी तक जो पॉलिटिकल फाइल है वो इधर से उधर करवाया जा रहा है। और वहीं बात करें तो बड़ा खेला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। पहले क्या कुछ करें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, पहले सुनिए उनकी बातों को। भयमुक्त है, भय नहीं है, लेकिन भय, भूख और घृणा के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं उनको किसी का भय नहीं होता। हम तो उसी के खिलाफ की राजनीति करते हैं। बस आप लोग चूंकि इतनी बंदिशों के बावजूद आप हमारी बात पहुंचाते हैं, आप हमारे नेता तेजस्वी जी की या लालू जी की बात पहुंचाते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमें खबर है कि सिर्फ हमें ही नहीं, आप देश के अलग अलग राज्यों में कल से सक्रिय हो गए, खास तौर पर 22 तारीख तक। 22 तारीख के बाद 10 दिन आप कुछ और करिएगा, लेकिन 22 तक आप इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। और मैं एक सेकेंड साथियों, नहीं नहीं यहाँ कोई भय का माहौल, क्या आपस में लोगों को झगड़ा लड़ाएंगे? इसी बात के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जैसा मत बनिए, बस ये आग्रह है। देखिए, एक बात तो मैं सीधे तौर पे कहूं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। और तेजस्वी यादव एक व्यक्ति के अलावा क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बीजेपी को पता है कि बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। मतलब 3-4 से ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। परेशान है वो अधिकारी, लेकिन क्या करें, इशारा आ गया है। वो जो दो सबसे बड़े नेता हैं सत्ता प्रतिष्ठान के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हम आपके कंधे पे बंदूक रख कर के ही लड़ेंगे। तो कंधे पे बंदूक रख कर के बेचारे धड़कन फिरेंगे। आपके सवाल में से मुझे इत्तफाक नहीं है। राम कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी है क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या हमने उनका परिचय जाना है मोदी जी से? मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बेहतर अवधारणा गांधी की थी, हे राम। उस अवधारणा से मीलों दूर है भाजपा वाले। राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से नहीं होता है, यहां हृदय में होना चाहिए। और मैं 4 दिन से कह रहा हूं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती कि हमारे भगवान पृथ्वी पर आते तो सबसे पहले बीजेपी वाले को कहते, नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहना चाहता, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। राम भगवान आते ना तो कहते, आय की इतनी असमानता के बीच में मेरी पूजा कैसे करोगे? बेरोजगारी की इन छवियों, डरावनी छवियों के मध्य मेरी प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? लेकिन ये भगवान राम वाले नहीं है, असल में ये नाथू राम वाले। आपने सुना मनोज झा किस तरह से
कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज से लेकर 22 जनवरी तक हैं जो बीजेपी हैं जो तमाम विपक्ष नेताओं को परेशान करेंगे, और साफ तौर पर चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चेतावनी हमारी समझिए, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और बिहार में ही क्या केंद्र में भी सरकार उनको बनने नहीं देंगे। इस तमाम खबर बना रहे हैं न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।